ये आ गया, मक्खी आ गई आगे। मक्खी का नाम लेके मक्खी कैसे पे बैठ गई थी भाई लोगों को ऐसा कैसा होता है यार। मैं मक्खी खिला के आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी मक्खी हम बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आज मक्खी खाने का प्लान किया है वो अभी हमारे चैनल पे आ जाए, क्योंकि मक्खियों की बरसात लगने वाली है। और अभी हमारे साथ 34 नंबर जर्सी पहने हैं, फुटबॉल की चैंपियन है, पर अभी गोबर ढोती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी, कैसे हो? उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं फ़िलहाल अपनी सोलन की सिटी को छोड़ के इस वक्त गांव में आ गया हूँ, और गांव में आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव में क्या क्या होने वाला है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे ये मैंने सिर पे क्या ले रखा है, तो आपको मैं बता दूँ कि ये फ्रेंड्स इसे झूम कहते हैं, झूम झूम बराबर झूम। इसे फ्रेंड्स पहले पुराने समय में जब छाता नहीं होता था तो यूज़ करते थे बारिश से बचने के लिए, तो मैं भी आज बारिश से बचने के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। फ़िलहाल अभी बारिश बंद है तो इसे हटा लेते हैं, और अभी हम फ़िलहाल इस रास्ते से ले जाएंगे आपको अपने खेतों की तरफ, और देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या क्या लगा है। फ़िलहाल आज मेरा मक्की खाने का बहुत मूड था, क्योंकि मैं सोलन की मक्की से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से भुनाई नहीं की जाती मक्की की। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने खेतों में चलकर खुद ही मक्की निकालूँ और खुद ही मक्की को भुन के खाया जाए। तो इस तरह से मैंने कुछ प्लानिंग की है कि आज मैं खुद मक्की निकाल के खुद भुनने वाला हूँ। तो फ़िलहाल अभी गांव में कुछ खेतों की हालत कुछ ऐसी है भाई, बरसातें हैं तो बरसातों में तो ऐसा हो ही जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो खरपतवार है वो उग जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेतों में, इसे हल्दी कहते हैं फ्रेंड्स, हल्दी, ये हल्दी है भाई। अब भाई अब वो मक्की दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपने हल्दी, छोटी मोटी बेलें भी लगी है यहाँ पे, कद्दू वद्दू लगे हैं। फिलहाल हम मक्की की तलाश में हैं, मक्की के खेतों में पहुँच चुके हैं, हम देखते हैं क्या हम। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आजकल तकरीबन सभी मक्कियों को पंछियों ने नोच डाला है, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी भूखे होते हैं, पर क्या करें सारी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं वो हमारी। फ़िलहाल अभी थोड़ी मक्की कच्ची है, सोच रहा हूँ इसमें से निकाली जाए, तो एक अच्छी मक्की हम लेकर जाने वाले हैं घर। फ्रेश मक्की आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल फ्रेश भुट्टा है, इसे हम अपनी भाषा में कुकड़ी कहते हैं भाई, कुकड़ी 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 खाने वाले लोग प्लीज़ एक बार कुकड़ी का बटन दबा के लाइक ज़रूर करें। और फ़िलहाल अभी हम इसे भून के खिलाने भी वाले हैं आपको। फ़िलहाल अभी हमें इसको निकाल के घर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आग जलाने की बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली और घना अंधेरा छाया है। देखते हैं भाई लोगों बाकी क्या मिलने वाला है खेतों की इसमें। फ़िलहाल अभी जो खेत है वो पूरी तरह मक्की से लदा लदा है, फिर भी हम थोड़ा कोशिश करके, बरसातें तो दिख ही रही होंगी, इतना पानी भर चुका है भाई खेतों में, मैं तो धस ही गया हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि भाई आजकल गांव में सीज़न चल रहा है मक्की का, और सोलन में जो मक्की वाले हैं वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी उनके ऊपर बरसात गिरती है तो कभी वो अपनी मक्की को इतनी तेज़ी से बेचने के लिए भुनते हैं कि वो बस मक्की को काला रंग दिखाते हैं और बस ऐसे हवाला कर देते हैं खाने वालों के, जैसे कि वो दोबारा अपने
कस्टमर को अपने पास बुलाना ही चाहेंगे। वो कुछ इस तरह की मक्खी बुनते हैं। माना कि जल्दी है, जल्दी का ज़माना है, पर इस जल्दी के ज़माने में अगर आप वो टेस्ट देना भूल जाते हो तो शायद आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो, आप खुद ही अपना बिजनेस ख़राब कर लेते हो। इसलिए मक्की भुनने वाले लोग प्लीज़ अच्छे से मक्की भुने, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। और अभी मैं फ़िलहाल जंगल की तरफ जा रहा हूँ अपने लिए थोड़ी बहुत ही मक्की निकालने, ताकि जो मेरा पेट है वो शांत हो पाए, क्योंकि हम दीवाने हैं मक्की के, परवाने हैं मक्की के। और अभी फ़िलहाल हम हाय पहुँच गया भाई दूसरों के खेत में डंडा लेके आएगा कोई तो भाई का फंडा गोल हो जाएगा। हाय, मक्की निकाल के अभी घर जाएंगे। यहाँ पे तो भुनने के लिए जगह नहीं मिल रही है, मैं इतनी देर से जगह ही ढूंढ रहा था कि कहीं पे जाके मक्की को बाहर ही भुनूं, पर क्या करें, फ़िलहाल अभी सारी जो लकड़ियाँ हैं वो भी गीली हैं और मौसम तो गीला ही है। फ़िलहाल अभी घर चल के मक्की खिलाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल एक मुर्गा आपको दिखा सकता हूँ, मुर्गा उड़ के वहाँ की तरफ गया है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे लोग जंगली मुर्गा, आपको शायद से दिखने को मिल जाए। अभी वो उस तरफ की तरफ उड़ा है, और नहीं 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 उड़ गया वो यार, उड़ गया भाई उड़ गया। यहाँ पे गांव में भी आपको ऐसी भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, मक्की वक्की तो लेके जाएंगे, पर अभी फ़िलहाल मैं अपने ऐसे जैसे जंगल में हूँ भाई, और मुझे घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेचुरल जो वादियाँ हैं वहाँ पे बैठ के अपने जीवन की चर्चा, दिनचर्चा को करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सोच रहा हूँ अब मक्की भुनने कहाँ जाया जाए, घर ही मक्की लेके जानी पड़ेगी दोस्तों। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, मैंने कुछ मक्की निकाल ली है खेतों से। ये मक्की देखिए आप, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है पंछियों के द्वारा, देखिए किस तरह से ख़त्म कर दी गई है। फ़िलहाल कुछ बची खुची जो मक्की है वो हम खाएंगे, यूज़ करने वाले हैं, ताकि फ्रेंड्स इन मक्की को और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब हम इन्हें घर में जाके भूनने वाले हैं, तो घर ले चलते हैं आपको। जी मऊ, मक्की खाएगा? क्या चीज़ पसंद करते हो आप? बास्केटबॉल। चार नंबर जर्सी पहने बास्केटबॉल के खिलाड़ी ये आज मक्की भुन के खिलाने वाले हैं। फ़िलहाल बास्केटबॉल तो नहीं देखने को मिलेगा, पर मक्की की भुनाई आप ज़रूर देख सकते हैं आरती के साथ। और ये फ़िलहाल अपने काम पे लग चुके हैं। कर्मचारी वर्ग प्लीज़ जल्दी करें, हाथ जल्दी चलाएं। फ़िलहाल हमारी रसोई में अग्नि देवता जल ही गए और लकड़ियाँ हमने जला दी हैं, और अब हम तैयारी कर रहे हैं इन प्यारी प्यारी मक्कियों को भून के आपको खिलाने वाले हैं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है आरती, मक्की भुनने की स्पेशलिस्ट, और हम तो है ही आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। फ़िलहाल आज हम आपको मक्की भून के खिलाने वाले हैं। थोड़ी बहुत ही कोयला हो जाए वहाँ पे, और जो लोग अभी हमारे चैनल पे आए हैं सोच रहे होंगे कि हाँ इस तरह की घर की याद आ रही है आप लोगों को, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम घर की याद आपको दिलाते रहेंगे। क्योंकि घर में आपके मम्मी पापा आपका वेट कर रहे होंगे, जो लोग अभी अपने घरों से दूर कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं यही विश करना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें इस कोरोना काल में। हम आपके लिए मक्की तो देते ही रहेंगे, लेकिन साथ में हमारा प्यार जो हमारी इस रसोई से आपको मिलने वाला है, आपको आपके घर की याद दिलाने वाला है, वो आपको मिलता रहेगा। आप अपने घर में रहें, जहाँ पे भी हो आप सुरक्षित रहें। हम इसी मंगल कामना के साथ आपको एकदम धमाकेदार मक्की खिला के याद दिलाने वाले हैं बचपन की। तो काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो मक्की खाना पसंद करते हैं, और इसे हमारी पहाड़ी भाषा में कुकड़ी कहते हैं, कुकड़ी जिसे कि काफ़ी लोग मुर्गी कहते हैं पंजाबी भाषा में, और कई लोग इसे भुट्टा भी कहते हैं,
पर आज हम मक्की बनाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ अभी बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी मिलती रहे और ये प्लेयर्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। फिलहाल इन्होंने पीठ मोड़ दी है आपकी तरफ, ना जाने क्या कारण है। 4 नंबर जर्सी आज परेशान है। घिराओ फुटबॉल आज, क्योंकि घिराओ में कप्तान नहीं ये कोच आपका अपना यार निल्लू यार है, जिसको घर पर बहुत सकाम है। थोड़ी देर में मक्की बोल के बता रहा है बाबा को। तो फ्रेंड्स, हमने एक मक्की को तो हमने लगा ही दिया है, अभी थोड़े कोयले कम है इसलिए हम इसे पीछे लगा लेते हैं, और थोड़ी लकड़ियाँ लगानी बाकी है अभी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मक्की कब तक तैयार होगी, तो इसमें कम से कम अगर मीठी मक्की खाना पसंद करते हो तो 10 मिनट, और उससे भी ज़्यादा मीठी खाना चाहते हो तो जितना आपने सब्र हो उतने सब्र से अगर मक्की को भून के खाया जाए तो मक्की खाने का जो टेस्ट है शायद से आपने कभी खाया ही नहीं होगा। मैं सच्ची बात बताऊँ, विदाउट कोयला अगर आप मक्की को भूनते हैं चूल्हे में तो इस तरह का टेस्ट आपको देगी कि आप दुनिया की मक्की क्या दुनिया के सारे स्वाद भूल के बोलेंगे कि मैं मक्की ही खाऊंगा। इसीलिए मेरी मक्की फेवरेट है, और ज़िंदगी भर मक्की खाने का जो मैंने प्रण लिया है वो मेरे दिल ने लिया है, क्योंकि उसको पसंद आ गई है मक्की। इसलिए आप भी पसंद आ जाओ मुझे, ऐसी उम्मीद करें। प्लीज़ एक कमेंट करें जरूर, कि कमेंट में मुझे ऐसा पता लगता है कि हमारे भाई लोग अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं। अगर बुरा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बुरा भी लिख के बोल सकते हो, आपका काम है हमारी गलतियों को बताना। अगर हम कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपको हमें सही दिशा पे लाना आपका ही कर्तव्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है, पर मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, ये ब्लॉग है भाई। फिलहाल भाई लोगों, मक्की तैयार है, और जो खाने के लिए है वो हमें बता सकते हैं, और इस तरह की मक्की हम खाने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मक्की खाना पसंद है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी ब्लॉग पर आना, हमें ब्लॉग हमारे ब्लॉग को देखना पसंद है तो वो भी आप हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ गलती हो जाए हमसे तो वो भी आप हमें बताएं। और फिलहाल लो, हम मिल बांट के मक्की खाने वालों में से हैं। अभी भाई भी हमारा इधर आइए ले मक्की। ये करण है, काफ़ी शर्माता है, इनकी शादी नहीं हुई अभी। फिलहाल तो 1 साल में शादी करा देंगे। 15 एक बकरे हैं भाई के पास, माल बथेरा है, पूरी ज़िंदगी गुजारने का, क्यों भाई। तो फ्रेंड्स, हमारा तो मजाक चलता ही रहता है। फिलहाल आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तो अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने हमें ब्लॉग बनाने लायक रखा एक लाइक के द्वारा, हमारा ये घरेलू जो ब्लॉग था सोलन से, जो तंग आके जो मैंने घर में मक्की को भूनने का प्लान किया, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत होगी जो बाहर मक्की खाने वाले हैं कि बाहर अच्छी मक्की नहीं मिलती। घर पर जो जाकर मक्की भुनना पसंद करते हैं और अपने हाथों से भुनी हुई मक्की खाना पसंद करते हैं वो भी हमें बताएं। और जो लोग अभी अभी हमारे चैनल में आए हैं वो प्लीज़ स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें वो पावर मिलती है जो कि हमें बनाती है आपसे मिलकर बातें करने में कामयाब। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में। कुकड़ी को छोड़ के, हाथी को छोड़ के, किसी और को पकड़ के मक्की खाएंगे, पर गलत बात नहीं बोली, गलत बात नहीं बोली।